हल्द्वानी में हिंसा की पहले से थी तैयारी। पुलिस अफसरों को जिंदा जलाने की साजिश। दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम किसने दिए? हिंसा के पीछे फुल प्रूफ साजिश के सबूत। हल्द्वानी में हिंसा का कौन है गुनहगार? और हल्द्वानी हिंसा पर पल पल की नजर बनाए रखने वाले सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर भी उतर गए। सीएम धामी ने एक पीड़ित का हालचाल जाना, एक एक पीड़ित के पास जाकर हालचाल जाना, उनका हौसला बढ़ाया। घायलों का हाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी ने साफ कर दिया कि सबका हिसाब होगा। और इसी के साथ हिंसा के गुनहगारों की उल्टी गिनती भी अब शुरू हो चुकी है। हल्द्वानी हिंसा के बाद मौजूदा हालात काबू में हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीएम धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को भी सख्ती के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले पर लगातार नजर बनाने वाले सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। सीएम धामी हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंच गए घटना की जानकारी लेने, हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों से मिलने, क्योंकि जिन्होंने हिंसा का दंश झेला है उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता है। बनभूलपुरा में हुई हिंसा के शिकार पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और जनता से मुलाकात करते हुए सीएम धामी ने एक एक घायल का हाल जाना। सीएम धामी ने उनका दर्द भी बांटा और उनका हौसला भी बढ़ाया। ये तस्वीरें उसी का हिस्सा हैं। हिंसा में शिकार लोगों से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने भी साफ कर दिया कि ये घटना प्री प्लांट थी। ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था। और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है। प्रदेश में पहली बार हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे हर कोई हैरान है। सड़कों पर बिखरे पत्थर, आग की लपटें और गोलियों की आवाज ने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी।
खासकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट की हरकत ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। देवभूमि की फिजा को खराब करने वालों को सीएम धामी ने भी दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है। अशांति फैलाने वाले अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। उत्तराखंड बनने से पहले भी यहाँ कभी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, क्योंकि देवभूमि का मिजाज ही हमेशा से लोगों को जोड़ने वाला रहा है। लेकिन दंगाइयों ने हल्द्वानी के माथे पर धब्बा लगाने का काम किया है और सीएम ने भी साफ कर दिया है कि सबका हिसाब होगा, चुन चुन कर हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।